डायबिटीज के मरीजों के लिए हम आज एक खास बात बताना चाह रहे हैं कि हमारे उपचार में या डॉक्टर राघवन के उपचार में, अनुपमा हॉस्पिटल के उपचार में और पटना में जो हमारा वेदांत हॉस्पिटल है उसमें, ये दोनों जगह मेरा एक टाइम टेबल है। 1 तारीख से 26 तारीख तक मैं पूर्णिया में रहता हूँ, 27 से लेकर 31 तक पटना में। तो डायबिटीज़ के मरीजों के बारे में खास बात है कि हमारे उपचार में और बाकी डॉक्टर के उपचार में क्या फ़र्क है। सबसे पहले देखिए, हमारा उपचार जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है ये एलोपैथ से बिल्कुल अलग है, ये बात सब आप समझ रहे हैं। एलोपैथ के उपचार से डायबिटीज़ ठीक नहीं हो सकता है, डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन भी ठीक नहीं होता, ये सब आप लोग जान रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से कि ये हमारा मरीज का लाइफ काफ़ी बेहतर होता है। सबसे पहले ये देखिए कि जितना भी मरीज सफ़र कर रहे हैं वो सभी टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, 99% जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। बहुत रेयर आदमी को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, आप मान सकते हैं 1 या 2% को टाइप 1 डायबिटीज़ होगा। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसमें क्लियरली कंसेप्ट है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस से होता है और इसके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहती है। मतलब जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं वो सभी के बॉडी में इंसुलिन की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है। और एलोपैथिक वाले जो भी इलाज हो रहा है उसमें आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा और बढ़ाई जा रही है। जैसे मेटफॉर्मिन इंसुलिन की मात्रा बढ़ाता है, सीटाग्लिप्टिन, ग्लिमेपिराइड या सल्फोनाइल यूरिया या डायरेक्ट इंसुलिन देके, सपोज डायरेक्ट कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा तो अल्टीमेटली ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है। तो जब ऑलरेडी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है और फिर बाहर से इंसुलिन और ज़्यादा दे दिया जाएगा तो ये कॉमन सेंस की बात है कि इससे फ़ायदा तो नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए किसी का थायराइड है, थायराइड का लेवल आप चेक किए ब्लड में और ऑलरेडी आपके ब्लड में थायराइड का लेवल ज़्यादा है, तो क्या आप थायराइड का इंजेक्शन लेंगे या थायराइड की गोली लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? या मान लीजिए किसी के बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा है तो क्या वो अलग से शुगर ब्लड में चढ़ाना शुरू कर देगा तो उससे कभी फ़ायदा होगा? ये नहीं हो सकता। यही वजह है कि एलोपैथिक का उपचार पद्धति लगभग फेल हो चुका है और ये गलत है। सबसे पहली बात जान लीजिए कि इंसुलिन जब हम लोग लेते हैं शरीर में, इंसुलिन की एक लेवल के मात्रा के बाद जब उससे ज़्यादा जब इंसुलिन की मात्रा ब्लड में हो जाती है तो बॉडी ऑलवेज इन्फ्लामेशन मोड में चला जाता है। मतलब सेल के अंदर शुगर को ज़बरदस्ती ठूसा जाता है, इससे सेल का साइज बड़ा हो जाता है, इसी को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। और इस इन्फ्लामेशन से शरीर लड़ता रहता है जब तक इंसुलिन का मात्रा बढ़ा रहता है। तो जब भी हम इंसुलिन की लेवल को घटाते हैं जैसे कि किसी भी मीडियम से, तो काफ़ी मरीज को रिलीफ हो जाता है। तो मरीज का ट्रीटमेंट, जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन के लेवल को घटाना होता है। आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारे लोग आपको डाइट एडवाइस दे रहे होंगे, बहुत लोग आपको एक्सरसाइज का एडवाइस देते हैं, लेकिन ये छोटा मोटा नुस्खे एडवाइस से बीमारी आपका डायबिटीज़ कोई साधारण बीमारी तो है नहीं, ये आदमी के दिमाग पर कब्जा किए हुए रहता है कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। और ये बीमारी कभी ठीक तो हो कि ना हो, लेकिन मरीज का सब कुछ ख़त्म हो जाता है इसमें। मरीज क्योंकि एक ऐसे साजिश में फंस जाता है जिससे कि उसका किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, उसका सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, उसका पारिवारिक जीवन खराब हो जाता है, उसको कोई काम में मन नहीं लगता है, दिन रात शुगर नापता रहता है। तो ये एक मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन का भी बीमारी है। ये बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल, साइकोलॉजिकल, पारिवारिक सारा चीज़ मिला के उसका मतलब शारीरिक और मानसिक सब ढंग से बेचारा त्रस्त हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे आयुर्वेदिक स्टोर खुले हुए हैं जो कि आपको कोई ना कोई आयुर्वेदिक दवा बेचते हैं। तो नेचुरली ये बात जान लीजिए, भले ही वो आयुर्वेदिक जो भी दवा खाना है उसमें कोई भी पढ़ा लिखा लोग ना भी हो, लेकिन आयुर्वेदिक दवा एलोपैथिक दवा से हरदम बेहतर होता है। लेकिन वो आयुर्वेदिक जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, आयुर्वेदिक क्वैक कह सकते हैं आप उसको, तो वो आपका समुचित उपचार नहीं कर सकते। वो प्रायः किसी कंपनी की दवा को प्रमोट करते हैं और बेचते हैं। लेकिन यदि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाना होगा जो मेटाबॉलिक चिकित्सा जानता हो, या हमारे ऑनलाइन
पोर्टल में संपर्क कीजिए आप। हमारे जो नेचुरोपैथ्स हैं, जो कि हमने अब नंबर दिया हुआ है आपका मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है, वहाँ से आप बात करके भी बहुत हद तक आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपका लाइफ कैसे बेहतर हो सकता है ये बताया जाएगा। हमारे उपचार में फर्स्ट डे डायबिटीज़ का शुरुआत में ही सारी दवाई बंद हो जाती है। यदि क्रिएटिन आपका बढ़ के 3-4 तक हुआ है तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होकर नॉर्मल हो जाता है, और शुगर का मेंटेनेंस फर्स्ट डे से ही काफ़ी बेहतर होता है। हर एक व्यक्ति जो भी हमारे मरीज है उसको तो उतना डिटेल्स में नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति को यदि आप डायबिटिक हैं धीरे धीरे आप खुद भी डॉक्टर बन सकते हैं। ये बात जान लीजिए, भले ही बीमारी ठीक ना हो लेकिन आपको राहत बहुत हद तक इतना हद तक मिल सकता है कि ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज अपना लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बिना शुगर बढ़े हुए, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन का। यदि डायबिटीज़ में कॉम्प्लिकेशन भी है तो वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन ख़त्म हो सकता है और आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप अपने जीवन को बेहतर बनाने का। आपका वेलकम है हमारे सेंटर में, और आप आइए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। डायबिटीज़ बिल्कुल भी बड़ी समस्या नहीं है, आप इसको बड़ी समस्या समझ के आप अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। धन्यवाद।